पोजीशन में हूँ पिनास त्यागी और आजादी के पर्व के साथ अब वक्त हो गया है कान्हा के जन्मोत्सव का भी। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ विशाल। और स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ कैसे जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है, इसकी हर तस्वीर अगले 3 घंटे तक हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आजादी की 70वीं वर्षगांठ की। ये दो मुंबई की दिल्ली में राष्ट्रपति भवन को खूबसूरती से सजाया गया है, लाइटिंग के जरिए सजाया गया। और वहीं मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर भी मनाया जा रहा है आजादी का जश्न। स्वतंत्रता दिवस पर यहां की गई है खास सजावट, रोशनी से नहाए हैं ये ऐतिहासिक धरोहर। और वैसा ही माहौल पूरे देश में है, आजादी का जश्न मनाया गया और अब से कुछ देर में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव भी मनाया जाएगा। चलिए, तो आज का दिन लोगों के लिए दोगुनी खुशियां और दोगुना उत्साह और जश्न का मौका लेकर आए हैं। एक तरफ आज़ादी के 70वीं सालगिरह मनाने का मौका था और ऐसे में किस तरह से तमाम सरकारी इमारतें जो हैं रोशनी मनाई हुई हैं, राष्ट्रपति भवन हो, इंडिया गेट हो, गेटवे ऑफ इंडिया हो या फिर CST स्टेशन हो, हर जगह आपको तिरंगे में रंगी हुई ये तमाम ऐतिहासिक इमारतें नज़र आएंगी। और ऐसे में जहाँ भी नज़र जाती है इस विहंगम दृश्य को देखकर, इस आज़ाद भारत के सपने को एक बार फिर से जी लेने की और इसका शुक्रिया अदा करने की जिन्होंने अपनी जान गंवाई और आज आज़ादी की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा रहे हैं, उनको नमन करने की इच्छा स्वतः ही हो जाती है। चलिए, स्वतंत्रता दिवस के जश्न की बात हो गई और अब बात कर लेते हैं जन्माष्टमी की। अब से कुछ देर बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, रात 12 बजे का इंतजार सभी को है। लेकिन जन्माष्टमी से पहले ही किस तरह से उत्सव जो है वो मनना शुरू हो जाता है, श्रद्धालु इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं मंदिरों में, देश भर में कैसे मनाई जा रही है जन्माष्टमी, इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। चलिए, एक तरफ इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह से मुंबई में हरे रामा हरे कृष्णा के उद्घोष पर भक्तगण जो हैं वो इस वक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और साथ ही साथ अब इंतज़ार कर रहे हैं कि 12 बजे और उसके बाद कान्हा जो हैं वो पधारें और उसके बाद हर ओर हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की सुनाई दे रहा है। और वाराणसी में आप देख रहे हैं तस्वीरें, साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे रिपोर्टर्स देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे हुए हैं जो आपको कृष्ण जन्मोत्सव की हर तस्वीर जो है वो लेकर आएंगे। साथ ही हमारे साथ विशेष धर्माचार्य हैं जो आपको बताएंगे कि अगर आप अपने घर में बैठे हुए अपने व्रत को खोलना चाहते हैं, आप अपने घर के नन्हे बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ विधि विधान होगा, कैसे अपना व्रत खोलें और कैसे अपने नन्हे बाल गोपाल के जन्म का एक बार फिर से स्वागत करें जिन्हें आपने अपने मंदिर में रखा हुआ है, उसकी विधि विधान भी बताएंगे। और आज का दिन क्यों खास है इस पर भी होगी चर्चा। और साथ ही साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से भी, मथुरा से भी, बताएंगे किस तरह से जन्माष्टमी का पर्व आज मनाया जा रहा है और भक्तों में कितना उत्साह है। हमारे साथ दीक्षा जो है राजधानी दिल्ली के बिरला मंदिर से है और वहां पर एक लंबी तादाद रहती है भक्तगणों की। अक्षय विनोद शुक्ल हमारे साथ इस वक्त मथुरा से हैं और निधि जो है हमारे साथ दिल्ली में इस्कॉन मंदिर से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अक्षय, सबसे पहले तो मथुरा नंदगांव में वृंदावन में जो कृष्ण जन्मोत्सव की छटा होती है वो शायद ही देश के दूसरे हिस्से में कहीं देखने को मिलती है, तो सबसे पहले वो विहंगम तस्वीरें, वो आस्था का सैलाब हमें भी दिखाएं। बिल्कुल आपने सही कहा पिनास, देश के दूसरे हिस्से में क्या दुनिया के किसी हिस्से में आपको ऐसे मनोरम नहीं मिलेगी। यहाँ आने वाला हर शख्स अपने आप को कृष्ण से जुड़ा महसूस करता है, कृष्ण का सखा या कृष्ण की गोपी के रूप में हर कोई अपने आप को महसूस करता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी यहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा है। 10 बजे से यहाँ पर जागरण दर्शन शुरू हो चुका है, यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए आज जो जगराता यहाँ हो रहा है उससे पहले जो दर्शन हो रहा है उसका दृश्य अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और रात 11:45 पर जन्म दर्शन शुरू होगा। और पिनाज, एक बात खास यहाँ पर हमारे दर्शकों को आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस बार 5 खास चीज़ें हो रही हैं जन्मभूमि में। सबसे पहली, स्वर्ण मंडित रजत कामधेनु स्वरूप एक प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है और आप देखिए ये 51 किलो चांदी से बनाई गई है ये गाय और इसे कामधेनु के रूप में यहाँ पर रखा गया है जो स्वर्ण कोटेड है, यानी कि आप ये समझ जाइए ऊपर एक सोने की परत चढ़ाई गई है और इससे ही श्री कृष्ण का अभिषेक होगा। दूसरी चीज़, नील मयूर कुंज बंगला, जिस बंगले के अंदर भगवान श्री कृष्ण को विराजमान किया गया है उस बंगले का नाम है नील मयूर
कुंज बंगला, क्योंकि ये बंगला जो है आप देखें कि मयूर से चारों ओर घिरा हुआ है, जिसके ऊपर भगवान स्तुति करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब श्री कृष्ण जन्म लिए थे तो उस वक्त सभी देवों ने उनका अभिषेक किया था। साथ ही कुसुम बेली पोशाक, जो पोशाक उन्होंने धारण किए उसे कुसुम बेली पोशाक कहा जा रहा है, वो उसी से निर्मित है। और एक अच्छा संदेश जो यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है वो है चीन निर्मित सामग्री के बहिष्कार का। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, जो तमाम संदेश लिखे हैं उसमें लिखा है साफ साफ, स्वदेशी अपनाइए देश बचाइए। यानी हर तरीके से कृष्ण भक्त जो भी यहाँ पहुँच रहे, 40 लाख की तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, उन्हें खास तौर पर संदेश दिया जा रहा है कि देशभक्ति का रंग भी भक्ति में सर्वोपरि होता है। बिल्कुल, आज जब आजादी का जश्न और कृष्ण के जन्म का जश्न मना रहे हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, और आपको बता दें अक्षय, खूबसूरत विहंगम दृश्य हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं आप लगातार, वहां से किस तरह से भक्तगण जो हैं इस वक्त अपने बाल गोपाल के जन्मोत्सव का इंतजार कर रहे हैं। फूल बंगला जो है विशाल, वहां पर एक विशेष इसको दर्जा हासिल है। फूल बंगले के लिए लोग लाखों रुपया जो है वो खर्च करते हैं, और बाकायदा एक लंबी वेटिंग लिस्ट होती है कि अगर मैं चाहती हूँ कि भगवान का मैं फूल बंगले से उनकी सजावट करूं तो उसके लिए बाकायदा एक वेटिंग लिस्ट है, और कितना महंगा मैं बंगला बनवाऊंगी और कहां से फूल लाऊंगी, कितने तरह के फूल होंगे, इसके लिए भी खास इंतजाम होते हैं। तो भक्तों में एक होड़ सी लगी रहती है कि किसको मौका मिलेगा जन्माष्टमी के दिन फूल बंगले से भगवान के बंगले को सजाने का। इस बीच निधि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है इस्कॉन में। निधि, इस्कॉन में एक अलग ही परंपरा है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जिसे कहते हैं एक हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। वहां पर आपको 56 भोग मिलेगा, भगवान के लिए नाचते गाते भक्तगण मिलेंगे, और भक्तगण सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेश की सीमा से भी लांघकर इस खास मौके पर आते हैं। तो कुछ तस्वीरें वहां की दिखाएं, क्या कुछ चल रहा है वहां। चलिए दीक्षा के पास चलते हैं, दिल्ली के बिरला मंदिर से हमारे साथ जुड़ी हैं। दीक्षा, आपसे समझना चाहेंगे, जैसे मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म से पहले ही कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होने शुरू हो जाते हैं, वहां पर झांकी सजाई जाती है, मंदिर को खास तौर पर सजाया जाता है, यहां पर जन्माष्टमी की रौनक किस तरह से देखने को मिल रही है? आज जन्माष्टमी है और पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है, और यहाँ पर मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के बिरला मंदिर में, जहाँ भक्तों की भारी संख्या में भीड़ सुबह से लगती आ रही है, और जैसे जैसे ही यहाँ पर मुख्य पूजा जो कि यानी 12 बजे होने वाली है उसका समय आ रहा है, वैसे ही भक्तों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और भक्त यहाँ पर बड़े ही धैर्य के साथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और अगर मैं इस मंदिर की सजावट की बात करूँ तो बाहर से ये मंदिर पूरे दुल्हन की तरह सजी हुई है, और आप देख सकते हैं कि भगवान का जो गर्भगृह है उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से सजाया गया है। भगवान कृष्ण की और राधा जी की जो प्रतिमा है उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से सजाया गया है, बहुत ही भव्य तरीके से उनका श्रृंगार किया गया है। और अभी फिलहाल अभी इनको सुबह से जो कपड़े पहनाए गए थे, जो वस्त्र पहनाए गए थे, अभी ये जब रात के 12 बजे होंगे तब जो मुख्य पूजा होगी उस दौरान इनके वस्त्र को फिर से बदला जाएगा। और यहाँ पर सिक्योरिटी के भी खास इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पर पुलिस भी तैनात है यहाँ पर, और जगह जगह पर ये जो मंदिर है वो पूरी तरह से CCTV कैमरा से लैस हो चुकी है, और जिससे कि किसी भी तरीके की कोई भी असुविधा नहीं होगी। और साथ ही यहाँ पर भक्तों के लिए हेल्पलाइन भी है, जो कि किसी भी भक्त को अगर कोई जी की जरूरत होती है। आज के दिन के लिए मंदिर की विशेष सजावट होती है और विशेष पोशाक भी होती है, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की झलक, वहां की खूबसूरती और कैसे है वहां पर भक्तों की भीड़। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्री गोकुल जश्मी का बेहद खास मौका है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बेहद खास मौका है, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कान्हा के दर पर, कान्हा के द्वार पर इस्कॉन टेंपल नई दिल्ली में। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको ये पूरा का पूरा माहौल जो है कान्हामय नजर आएगा। दूर दराज से भक्तगण यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या बच्चे क्या बूढ़े, क्या महिला क्या पुरुष, हर कोई कान्हा के अलग अलग रंगों से सराबोर है। और अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर जो रंगारंग कार्यक्रम है वो लगातार हो रहा है और वो बढ़ता ही जाएगा, चूंकि कान्हा के जन्म का वक्त बेहद करीब आता जा रहा है। ऐसे में आप महसूस कर सकते हैं कि महामंत्र की गूंज से पूरा माहौल जो है, पूरा मंदिर परिसर जो है वो सराबोर है। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। खूबसूरत तरीके से मंदिर परिसर को सजा रखा है और यहाँ पर तमाम गणमान्य लोगों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो देखिए इसी के साथ
मैं आरती करने जा रही हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो सबसे कुछ देर बाद जो है दर्शन आरती की जाएगी और रात 12 बजे महाभिषेक किया जाएगा कृष्ण कन्हैया का उनके जन्म के साथ, जिसमें पंचामृत के साथ साथ तमाम तरह के व्यंजन जो है उनको परोसा जाएगा कान्हा के लिए, भोग लगाया जाएगा और महाआरती 12:30 पर इस्कॉन टेम्पल में की जाएगी। तो ये पूरा मंदिर परिसर जो है खूबसूरती से सजा हुआ है और कान्हा की याद में कान्हा के दर पर उनके भक्तों के आने का सिलसिला आप देख सकते हैं लगातार जारी है। तो वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ निधि चतुर्वेदी, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए और आपको बता दें देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे रिपोर्टर्स आपको कृष्ण जन्मोत्सव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि हर जगह के साथ अगर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म लीला है, उनकी बाल लीला है, तो उसके बाद उनके अलग अलग देश के हिस्सों में अलग अलग उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ, उनके मंदिरों की अलग अलग मान्यताएँ हैं। हमारे साथ लाल सिंह फौजदार हमारे रिपोर्टर जो हैं वो जयपुर से जुड़ रहे हैं और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मूरत को लेकर बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। गोविंद देव जी का मशहूर मंदिर है, तो लाल कृष्ण जी आपसे जानना चाहेंगे लाल सिंह जी के वहाँ पर क्या कुछ विहंगम दृश्य आपको नजर आ रहा है और अगर जयपुर के उस मशहूर गोविंद देव मंदिर जी के इतिहास से भी आप हमें रूबरू कराएं और उसकी खूबसूरती से भी रूबरू कराएं तो हमारे दर्शकों को एक अलग ही पहलू जानने को मिलेगा। देखिए बिल्कुल जहाँ तक गोविंद देव जी की हम बात करें तो इसकी तो महिमा भी निराली और इसकी अपरंपार है इसकी महिमा। और आज जन्माष्टमी के दिन वृंदावन के बाद अगर पूरे देश में सबसे अधिक भक्तों का सैलाब उमड़ता है तो जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में उमड़ता है। और जहाँ तक इसकी कथा की बात है वो तो बहुत ही निराली है। एक बार मैं अभी जो शयन आरती है उसके दर्शन जरूर कराना चाहूंगा। ये जो अभी का जो दृश्य आप देख रहे हैं गोविंद देव जी का, ये शयन आरती का दृश्य है। इसके बाद आज विशेष मंगला आरती का आयोजन किया जाएगा और 12 बजे जन्माष्टमी में जो भगवान श्री कृष्ण है उसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और देखिए अभी भी लगातार सुबह से यह भक्तों का आना लगातार जारी है। लगभग आज की बात करें तो लाखों भक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं, गोविंद देव जी के दर्शन करने आते हैं, न केवल जयपुर से बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग अपने प्रिय कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते हैं। और सभी को अब सिर्फ एक ही पल का इंतजार है कि जब 12 बज जाए उनके कृष्ण लला जब पैदा होंगे वो क्षण कैसा होगा, कितना अद्भुत होगा वो क्षण, क्योंकि ये जो पल है इसका वर्ष वो एक पूरे साल इंतजार करते हैं। इसी पल का जो है वो भक्त लगातार इंतजार करते हैं। जयपुर की ये तस्वीरें हैं और पिनाज खास बात ये है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जन्माष्टमी मनाने के अलग अलग तरीके हैं लेकिन आस्था का केंद्र सिर्फ एक है, भगवान श्री कृष्ण। और जाहिर सी बात है भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है कि उन्हें एक आम आदमी अपने बेहद करीब पाता है क्योंकि उनके जो गुण हैं वो आज हमारे जीवन में जिस तरह से हमें रोज़मर्रा के जीवन में हम भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका जो पूरा आचरण है उसे बहुत कुछ अपने करीब पाता हुआ देखते हैं। हालांकि कई लोग जो हैं उसको खामखा बदनाम और मिसइंटरप्रेट भी करते हैं, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ब्रजेंद्र नंदन दास जी हैं, साथ ही हमारे साथ अजय भांबी जी हैं ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ पंडित सुरेश शर्मा जी मौजूद हैं और हमारे साथ शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी भी बनारस से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं विजेंद्र नंदन दास जी के पास। विजेंद्र नंदन जी, भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए लेकिन जैसा आकर्षण भगवान कृष्ण के रूप में है, उनके अवतार में है, ऐसा आकर्षण कहीं और देखने को नहीं मिलता और यही कारण है कि आज भी उनके साथ जुड़ने के लिए, उनके भक्त बनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में युवा भी चले आते हैं जो आमतौर पर आध्यात्मिकता से थोड़ा दूर रहते हैं। विजेंद्र नंदन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है विजेंद्र नंदन जी से बातचीत नहीं हो पा रही है। अभी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं। शंकराचार्य नरेंद्रनंद सरस्वती जी भी हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए हैं। शंकराचार्य जी, यही सवाल मैं आपके सम्मुख में रखना चाहूँगी कि भगवान श्री राम अगर मर्यादा पुरुष थे तो कृष्ण उससे कहा जाता है और भी ज़्यादा, 16 कलाओं में जिस तरह से पारंगत माने जाते हैं, तो भगवान कृष्ण के
एक युवा अपने आप को ज्यादा करीब क्यों पाता है? क्या उनके पूरे व्यक्तित्व में आकर्षण है, उनके चरित्र की ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज भी, चाहे वो बच्चे बाल गोपाल हों भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने आप को करीब पाते हैं, या फिर बड़े हों जो वो कान्हा की शरण में चले जाते हैं? लगता है कुछ दिक्कतें। चलिए हम अजय जी से शुरू कर लेते हैं। अजय जी यहाँ पे कुछ बताना चाह रहे हैं। अजय जी, इस बार हमने जन्माष्टमी की तिथि को लेकर, वक्त को लेकर, कब बनाई जाए इसे लेकर हमने कई सारी बातें सुनी, थोड़ा सा भ्रम हो गया। दो तिथियों की बात हो रही थी, अब तो तीसरी तिथि की भी बात हो रही है। जरा इसे साफ करें, ये दो अलग अलग तिथियों की बात क्या थी, और अब जो आप तीसरी तिथि बता रहे हैं वो क्या है? देखिए, भारतवर्ष जो है ये त्योहारों का देश है, और यहाँ पर हर कई संप्रदाय हैं, और हर संप्रदाय की अपनी एक परंपरा है, उसके नियम हैं, और उस नियम के साथ में वो लोग उसका पालन करते हैं। और जहाँ तक कृष्ण का सवाल है, कृष्ण सबके हैं, तो और कृष्ण सबके हैं, और सब उनको अपने अपने हिसाब से, अपने अपने समझ, अपनी समझ से उनको समझना चाहते हैं। कहते भी हैं भगवान के जितने रूप, जितने लोग उतने ही रूप। तो तिथियाँ इस बार तीन हैं। एक यहाँ पर हमारे यहाँ तीन चार पाँच तरह के संप्रदाय हैं। एक है वैष्णव, वैष्णव वो होते हैं जो शिव को, जो विष्णु को मानते हैं, और होते हैं शैव, शैव वो होते हैं जो शिव को मानते हैं, और शाक्त जो देवी को मानते हैं, और स्मार्थ, स्मार्थ में हम और आप सब ग्रस्त लोग आते हैं। तो मूलतः ये वैष्णव और स्मार्थ के बीच का इशू है। तो वैष्णव लोग जो हैं उनका ऐसा मानना है कि कृष्ण का जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में और अष्टमी तिथि में, और भाद्र पक्ष का, कृष्ण पक्ष का पक्ष चल रहा था। तो ये उनका जन्म हुआ था रात के 12 बजे, और उस दिन का जो दिन था वो बुधवार था। तो ये सारी चीज़ें हमको हर वर्ष नहीं मिलती, हमको हर वर्ष कभी तिथि मिल जाती है, अष्टमी तिथि मिल जाती है। क्योंकि जन्म हुआ था अष्टमी तिथि को, तो उसको मानना वाजिब हो जाता है। तो वो लोग, वो जो वैष्णव हैं, वो बोलते हैं कि जो तिथि है उससे मानेंगे, और जो दूसरे हैं स्मार्ट वो कहते हैं कि हमको नक्षत्र से मतलब है, और चूँकि नक्षत्र जो रात में पड़ेगा उससे मानते हैं। और जो तीसरे होते हैं साधु संत, वो कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र अगर उदय हो रहा है तो उससे हम मानेंगे। इसलिए ये तीन तिथियां हो गई, 14 से लेकर 16 तक। तो 14 को वैष्णव का है, फिर स्मार्थ का है, और फिर साधुओं का। यानी बिना तिथि कोई भी हो, भक्ति में कमी नहीं आनी चाहिए। जन्माष्टमी कैसे भी मनाए, पूरी भक्ति के साथ, पूरी आस्था के साथ मनाए। जिल भावना जैसी है, सोच जैसी है, आस्था जिसकी जिसमें हो। इसलिए अगर आपको लग रहा हो कि नहीं गलत हो गया, सही मनाई है कि नहीं, इसने इस दिन मनाई है, ये सब छोड़िए। जिस दिन आप मान रहे हैं उसी दिन अपनी पूरी और आस्था के साथ आपने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया है। और हर आम हो या खास हो, जैसे कि हम विशाल कह भी रहे थे कि हर कोई अपने आप को भगवान कृष्ण के बेहद करीब पाता है और उनकी भक्ति में लीन हो जाता है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पे तो पूजा अर्चना की ही, लेकिन उसके बाद किस तरह से वो कृष्ण जन्मोत्सव के अलग अलग कार्यक्रमों में शरीक हुए और वहां पर किस तरह से कृष्ण वंदना की, आइए अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। तो ये तस्वीरें तो भोपाल की थी, लेकिन पूरे देश से थोड़ी देर में आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले भक्तों का तांता वहां पर लगना शुरू हो चुका है। ऐसी ही तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।